बिलासपुर हाई कोर्ट से मिले आदेश के बाद भी दुर्ग नगर निगम टीम बिना कब्जा हटाए घंटों इंतजार के बाद बैरन लौट गई। स्थानीय पार्षद और रहवासियों ने विरोध जताया है। दुर्ग नगर निगम द्वारा मंगलवार को प्रार्थी के द्वारा किए गए शिकायत पर बिलासपुर हाई कोर्ट के मिले आदेश के बाद भी दुर्ग निगम के अधिकारी और कर्मचारी दुर्ग के गया नगर वार्ड स्थित गयाबाई स्कूल परिसर में बने दुकान के सामने चबूतरे निर्माण को नहीं हटा पाए हैं। नतीजतन स्थानीय लोगों के विरोध और पार्षद की मौजूदगी से निगम अधिकारी अपना दायित्व भुलाकर घंटों इंतजार कर पंचनामा बनाकर बैरन लौटाए। गौरतलब है कि कयाबाई स्कूल परिसर में बनी दुकान पर दुर्गा समिति का ज्योति कलश रखने और प्रसाद वितरण करने चबूतरा बनाया गया है, जिस पर शिकायतकर्ता नवीन शुक्ला ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट से फरियाद लगाई थी, जिस पर अमल करने पहुंचे दुर्ग नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी मौजूद सभी विभाग के लोगों का समय घंटों गवाकर बैरन लौट गई। इस संबंध में निगम अधिकारी और स्थानीय पार्षद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गया भाई स्कूल के दुकानों का जब निर्माण हुआ है तब से लेकर यानी आज से 15 साल तक ये विवादों का स्कूल रहा है, विवादों का दुकान रहा है। इसका आवंटन प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं हो पाई और जब आवंटन प्रक्रिया पूरी हुई तो एकमात्र दुकान को जो छोड़कर इसको आवंटन करना था, क्योंकि ये कई वर्षों तक दुर्गा समिति यहाँ पे माँ दुर्गा का यहाँ पे रखा जाता है, लेकिन नगर निगम के कुछ अधिकारी वर्ग भूलवश बोले या जानबूझ करके इसका टेंडर निकाला गया और दूसरे द्वारा टेंडर ले लिया गया। आज तक इस दुकान का आवंटन नहीं हो पाया। विवादों के कारण समिति भी छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि माँ दुर्गा का लगातार 30 वर्षों से यहाँ पे स्थापना होती है। हम जो लिए हैं उससे भी कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि इसको छोड़ दिया जाए, अपना पैसा वापस ले लें। इसमें नगर निगम के सभी पार्षद, पूरे दुर्ग शहर के पार्षद और महापौर ने भी इस पर सहमति जताई और सामान्य सभा में पास भी हुआ कि इसको नगर निगम अपने कार्यों के लिए रखेगी, लेकिन आचार संहिता का लाभ उठाते हुए जो आवेदक है नवीन शुक्ला करके जिन्होंने टेंडर भरा था, वो बार बार हाई कोर्ट में आवेदन लगाते हैं कि अवैध कब्जा हो गया, अवैध कब्जा हो गया, जबकि यहाँ किसी प्रकार से कोई अवैध कब्जा नहीं हुआ है। और अवैध कब्जा जब शिकायत की जाती है तो नगर निगम को तुरंत अवैध कब्जा हटाने का निर्देश जारी होता है, और आज ये आए हैं कि हमें हाई कोर्ट का आदेश है, हम वो अतिक्रमण को तोड़ने आए, हम तोड़ के जाएंगे। ऐसी स्थिति में बार बार दुर्ग शहर में मात्र गए नगर में गए भाई स्कूल के एक ठो मात्र दुकान जो पूरे 5 साल तक लगातार नगर निगम यहाँ आती है, बाकी शहर के जितने भी अतिक्रमण है, शहर पूरा इंदिरा मार्केट से लेकर पूरे बाजार अतिक्रमण से पड़ चुका है, वहाँ इसका कभी नहीं दिखता, सिर्फ इनकी अवैध वसूली चलती है और ये आचार संहिता का गलत इस्तेमाल करते हुए आज फिर से ये अवैध कब्जे को तोड़ने आ गए। मैं नरेंद्र बंजारे, वार्ड नंबर 3, पार्षद। माननीय हाईकोर्ट के निर्णय के परिपालन में निर्णय यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित हुआ है, और अभी यहाँ से शिकायत मिली है कि उसमें चबूतरा का निर्माण कर दिया गया है मंदिर निर्माण समिति के द्वारा, उसी को चबूतरा के निर्माण को हटाने के लिए माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए हटाने की कार्यवाही के लिए पूरी टीम आई हुई थी, नगर निगम की टीम। अभी उन लोगों से पंचनामा अभी बना करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। अभी सिर्फ पंचनामा बनाकर अधिकारियों को, उच्चाधिकारियों को सूचना दी जा रही है, उसके आदेशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।